पानी देने का जिम्मा, पानी देने का जिम्मा। ये संडे का दिन है और पेड़ों को थोड़ा थोड़ा पानी देना। और आज संडे है तो आज संडे है, दिन में दारू पीने का डे है। बट नो दारू, आज फन डे है और आज हम वैसे कहीं घूमने नहीं जा रहे, डोंट वरी। आज साफ सफाई का दिन है आज। हाँ, तो मोस्टली हमारी साफ सफाई हो चुकी है, बाकी काम हम कर रहे हैं। ये अपना ऑफिस का जो बचा हुआ काम है वो कर रहे हैं और मैं अपना फालतू का काम कर रही हूँ। बट इनका भी एक काम बचा हुआ है। क्या? गब्बू को नहलाना। ओ, आज गब्बू को नहलाने का भी दिन है। तो अभी ये गब्बू को नहलाएंगे पहले। हाँ, तो गब्बू ने नहलाऊ आज और बिना ना भागा ना। गर्मी का मान तो बहुत मजेदार ना हुआ वो। इच्छा करे भी कि ना भागे। सर्दी का मान तो वो कदी पिलंग नीचे घुसा कदे भी पिलंग। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। यस, आप देख रहे हो मैं रेडी हूँ। तो रेडी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ शूट करना था, तो मैं शूट करके जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। और सुबह ये मतलब सुबह क्या दोपहर हो गई थी वैसे, गब्बू को नहला धुला के, इनको ऑफिस का बहुत अर्जेंट काम था तो बाहर गए थे ऑफिस के काम से, और अभी शाम को आए हैं। अभी शाम हो चुकी है और मुझे शूट भी करना था और कुछ मुझे थोड़ा काम भी था। काम ये था कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी अलमीरा में राजपूती जो मेरी पोशाक है और लाइट वेट ड्रेसेज हैं उनको कैसे अरेंज करती हूँ। तो फोल्ड वगैरह तो सब कर चुकी थी, बस उनको अरेंज करना बाकी था, तो वो अरेंज कर रही थी और उसके बाद शूट था, तो इसीलिए आप लोगों से बात नहीं कर पाई। बट मैंने सोचा कि अब रेडी हूँ तो आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ कि कैसे अरेंज करती हूँ। और रही बात इनकी, गए हैं क्योंकि हमारे आरओ है उसका पानी ढंग से फिल्टर नहीं हो रहा आई थिंक, क्योंकि कल हमारा जो आरओ है वो हर 6 महीने में उसका कुछ फिल्टर वगैरह चेंज होता है, तो कल आरओ वाला आके वो चेंज करके गया था। तब से ही मतलब अजीब सा पानी का टेस्ट हो गया है। मुझे कल पूरी रात पानी नहीं भरा, आज पूरा दिन हो गया, तो मैंने कहा आप या तो उसको फ़ोन करो। उसको फ़ोन किया तो बोला कल आके फिर से चेक करूँगा। तो पूरी रात कैसे कटे, तो ये मेरे लिए लेने गए हैं आरओ का पानी, मतलब बिस्लरी का पानी। तो आ गए ये ले भाई बोतल। तो परेशान से क्यों हो रहे हो? पानी की बोतल लेके आया हूँ इसके लिए। मैं तो पी ले वहीं यहीं। आज सुबह हूँ पानी कौन पी रही, प्यासी मरती। तो पानी पी गई। नहीं नहीं आधा इन्होंने पिया है। हाँ, अब चैन आया है। कल से भाई इतना अजीब सा टेस्ट हो रहा था ना पानी का, मैं बता नहीं सकती। आपको एक दो कलेक्शन, तो चलो अलमीरा की तरफ चलते है। तो फाइनली मेरी जो अलमीरा है वो अरेंज हो चुकी है। आपने ये वाला जो सेक्शन था ये लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं कॉटन की ड्रेसेस को कैसे अरेंज करती हूँ और कैसे फोल्ड करती हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा वीडियो का, जाके देख सकते हो। और ये वाला मैंने थोड़ा सा जो कॉटन का सेक्शन है ना ये चेंज किया है। चेंज मीन्स मैंने सारी ड्रेसेस को, पहले ओढ़नियाँ इधर थी और आधी ड्रेसेस इधर थी, तो मैंने एक साथ सारी ड्रेसेस को अरेंज कर दिया। और ओढ़नियाँ आपको कम इसलिए लग रही क्योंकि थोड़ी पतली होती है ओढ़नी। यहाँ मैंने इस वाले में जो आप ये देख रहे हो यहाँ मैंने रखी है अपनी लाइट वेट ड्रेसेस। ये ड्रेसेस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मेरे सारे जो फोल्डर्स थे ये फुल हो चुके हैं। और ये वो ड्रेसेस हैं जो मुझे कभी ना कभी, मतलब बहुत लाइट वेट है, फटाफट कहीं फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शन में जाना हो तो मैं पहन सकती हूँ, तो इसलिए बाहर भी हैं। और ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आप यहाँ ऊपर सेक्शन में आओगे तो आप देख रहे हो यहाँ ये बहुत सारे फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स ही कहते हैं आई थिंक इनको, मैं तो फोल्डर्स ही कहती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। जैसे ये वाला सेक्शन है ये हैवी पोशाक के लिए है, ये दोनों इसमें मैंने आपको बता दिया हैवी पोशाक है मेरी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी सब निकाल के, डोंट वरी। इसमें लाइट वेट ड्रेसेस हैं और ये जो फोल्डर देख रहे हो इसमें थोड़ा सा जो हैवी वर्क होता है ना लाइट ड्रेसेस वो है पार्टी वेयर। और ये जो आप देख रहे हो मेरी पोशाक है मेरी फेरों की बरी,
जो कि रेड कलर की होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले शुरुआत करते हैं इस वाले कॉर्नर से। यहाँ जो मैंने ड्रेसेस रखी है, तो इसमें से मैं आपको एक दो ड्रेसेस दिखा देती हूँ। मैंने इन ड्रेसेस को सेम वैसे ही रखा है जैसे कि मैं अपनी कॉटन की ड्रेसेस को रखती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी ये ड्रेस है, और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रेस है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये जो ड्रेस है, ये लफ्फे की ड्रेस है, इसे लफ्फे की ड्रेस कहा जाता है। ये पूरा इसलिए, ये इसका लहंगा है, तो ये इसका लहंगा हो गया, ये इसकी कुर्ती का असली, और ये इसकी ओढ़नी है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये ड्रेस। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये जो ड्रेस है ये आई थिंक 40 साल ये मेरी मदर इन लॉ है, जो सास है, उनकी पोशाक थी, तो मुझे बहुत पसंद थी। तो उनका लहंगा तो मुझे आ गया, बट जो कुर्ती काशली थी ना वो नहीं आई, तो मैंने ये कुर्ती काशली अलग से सिलवाई थी। और इस पर आप जितना भी काम देख रहे हो ना, ये मेरी सासू माँ मतलब मम्मी ने, मदर इन लॉ ने खुद अपने हाथों से सारा दोबारा वर्क किया है। ये इसकी काशली बहुत सुंदर लगती है ड्रेस। ये वाली ड्रेस, इसको भी मैंने सेम वैसे ही फोल्ड करके रखा है, और इसमें ये बनारसी लहंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इन ड्रेसेस को मैं कैसे रखती हूँ, ओढ़नी को मैं अंदर ही रखती हूँ ताकि थोड़ी स्पेस बच जाए, तो इससे ओढ़नी भी थोड़ी मतलब प्रेस अच्छे से रहती है ओढ़नी की। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ, इसमें मैंने ये ओढ़नी रखी है, ये कुर्ती काशली है, और इस तरीके से ओढ़नी को रख के फोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। तो अब बात आती है इन फोल्डर्स की, जिसका आप वेट कर रहे हो। सारे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि सारे अरेंज हो चुके हैं। मैं आपको तीनों रोज में से एक एक फोल्डर खोल के दिखा देती हूँ कि कैसे उनमें मैंने अपनी ड्रेसेस को अरेंज करके रखा है। तो मैंने तीनों एक एक मतलब रो में से एक एक फोल्डर निकाल लिया है, और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी फेरों की ड्रेस को दिखाती हूँ कैसे रखती हूँ। मैं अपनी जो फेरों की जो बरी है, जिसे पोशाक जो बरी भी कहते हैं, मैं इस तरीके से रेड कपड़े में रखती हूँ। और ये पुराना तरीका है, आप सबको पता होगा जो भी राजपूत लेडीज़ हैं, कि हमेशा से पुराने टाइम से जो पोशाकें होती थी उनको रेड कलर के प्योर कॉटन के कपड़े में रखा जाता था। इससे क्या काम ख़राब नहीं होता था, और उस टाइम इतनी फैसिलिटी और चीज़ें भी नहीं थी, फोल्डर वगैरह, तो इस तरीके से रखा जाता। तो मैं इसको अब भी इसी तरीके से रखती हूँ। ये मेरे पोशाक के साथ ही आया था ये कपड़ा। तो ये है मेरी ड्रेस, ये है इसकी ओढ़नी, और ये है लहंगा। इस तरीके से मैं रखती हूँ जितनी मेरी पोशाकें, मैं सबको पेपर से, थैलियों से अच्छे से लपेट लपेट के रखती हूँ, ताकि कहीं से कोई काम काला ना पड़े, उलझे ना। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने लहंगे के ये लहंगा है, और लहंगे के अंदर कुर्ती काशली को भी इस तरीके से पेपर में इस तरीके से रखा है, ताकि जब ये इस तरीके से ऊपर आए तो उलझे ना। और इसके ऊपर मैं रखती हूँ ये ओढ़नी, और इस तरीके से रखने के बाद इसको कर देते हैं इस तरीके से फोल्ड। आप चाहो तो गांठ भी लगा सकते हो, मैं गांठ नहीं लगाती हूँ, इसके ऊपर कुछ रख देती हूँ। इस तरीके से मैं रखती हूँ अपनी फेरों की पोशाक को। आप भी फेरों की क्या और भी कई पोशाकों को रख सकते हो इस तरीके से। अगर आप मेरी फेरों की पोशाक का पूरा देखना चाहते हो ओपन लुक, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। जितनी भी पोशाक है ना, इन सब के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट फोल्डर पर चलते हैं। अब इस फोल्डर को ओपन करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो इसमें सारी ना मेरी हैवी पोशाक है, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, जिन्हें आप किसी शादी फंक्शन में ही पहन सकते हो। जिसमें से फर्स्ट है मेरी ये उतार भरी, और ये मेरी मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे दिल का टुकड़ा है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये। इसके ऊपर मतलब ये मेरे ऊपर कैसी लगती है, साइड में आपको फ़ोटो दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो इसका काम बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत प्यारी है। इस पर भी देखो, अगेन मैंने पेपर लगा लगा के चीज़ों को रख रखा है। ये इसका लहंगा, मैं इस तरीके से रखती हूँ। मैं हमेशा क्या होता है, पहले ड्रेस को रखती हूँ और उसके ऊपर ओढ़नी को रखती हूँ। तो ये आप देख सकते हो लहंगा, इसके अंदर ये कुर्ती काशली है। इसके थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा देती हूँ आपको इसका लुक। तो ये है पूरी ड्रेस, पूरा काम है, और ये अंदर इसमें कुर्ती काशली है, और इसके ऊपर आती है। पहले मैं पेपर रखती हूँ इस तरीके से, फिर मैं ओढ़नी रखती हूँ ताकि काम उलझे ना, और फिर ये आती है इसकी ओढ़नी। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पोशाक की, जो कि मैंने सेम इसी तरीके से रखी है। एज यूजुअल मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं पेपर भर भर के लगा के रखती हूँ, इसलिए लगाया था कि इसका काम उस पोशाक में ना उलझे। ये पोशाक भी आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज में इंस्टाग्राम पे देखी होगी, ब्लू कलर की, बहुत सुंदर है। तो इस फोल्डर में मैंने सारी मोस्टली पोशाकों को इसी तरीके से रखा है। अब दूसरा फोल्डर दिखाती हूँ मैं कि उसमें मैं कैसे रखती हूँ पोशाक। इस वाले फोल्डर पे, वैसे इन फोल्डर्स में आप जितने भी फोल्ड देख रहे हो ना, सब एक जैसी हैं। मैं आपको एक ही फोल्ड खोल के भी दिखा देती हूँ।
अभी दिखाती हूँ रुको। तो इस वाले फोल्डर में वो ड्रेसेस हैं जो कि हैवी से थोड़ी सी कम हैवी है, मतलब ये भी हैवी है पर उतनी ज़्यादा नहीं जितनी पोशाकें हैं। इनको आप आसानी से वेयर कर सकते हो, इन पे थोड़ा बहुत वर्क है वो है। इसको भी एज़ यूजुअल मैंने पहले ओढ़नी रखी है, आप देख सकते हो इसमें पूरा कुंदन का वर्क है इस ड्रेस में। और एज़ यूजुअल यही सेम पेपर रखा हुआ है, इस पर भी मैंने पेपर रखा हुआ है ताकि काम मिल जाए ना। तो ये इसकी ओढ़नी है ना, सुंदर कितना प्यारा काम है इसका। और ये इसका लहंगा है और अंदर ही कुर्ती काशली है और ये कलर बहुत प्यारा लगता है, सी ग्रीन और ये लाइट पिंक कलर है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कलर में से है, इंग्लिश कलर में आता है वैसे ये। उसके बाद आती है ये वाली पोशाक, ये वाली भी आप लोगों ने बहुत सारे मेरी वीडियोज़ में और एक ये वाली है ये भी देखी होगी। तो ये सब पैक्ड है, इनको पैक ही रहने देते हैं, वापस रख देते हैं। मैं आपको ये वाली ड्रेस है ना ये ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसी है ये, मतलब कैसे मैं इसको फोल्ड कराया। तो पहले ओढ़नी को साइड में रख देते हैं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। लहंगे को सेम वैसे ही फोल्ड करती हूँ मैं जैसे कि कॉटन की ड्रेस को आपको बताया था, बट मैं फिर भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये 8 कली का लहंगा होता है, इसको आपको डबल फोल्ड करना होता है इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करना है, दैट्स इट। और अपने लहंगे को इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। तो लहंगा हमारा फोल्ड हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुर्ती कैसे फोल्ड करती हूँ। तो ये है इसकी कुर्ती जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इसका वर्क आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर वर्क है इसका। तो इसको भी इसी तरीके से फोल्ड, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इस तरीके से हाफ इधर से फोल्ड करना है, हाफ इधर से और हाफ इतना इधर से, और इस तरीके से कर देना है। तो दैट्स इट, ये हमारी जो कुर्ती है फोल्ड हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ काशली। काशली इस तरीके से होती है, उछली में जो आपकी बाजू का ऊपर वाला कोना है दोनों कोनों को इस तरीके से पकड़ना है, पीछे से डोरी को ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना है और उसके बाद इस तरीके से रख देना है। दोनों डोरियों को ऊपर करना है, नीचे वाले पार्ट को ऊपर करना है, देन इसको ऐसे। तो दैट्स इट, ये हमारी काशली भी हो गई। काशली को इस तरीके से कुर्ती में अंदर टक कर आपको, मतलब अंदर डालना होता है इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी कुर्ती काशली फोल्ड, तो इस तरीके से फोल्ड कर देना। तो ये हो गई हमारी इस ड्रेस की फोल्ड। तो और ये है इसकी ओढ़नी। ओढ़नी को नॉर्मल जिस तरीके से फोल्ड किया जाता है वैसे मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से मेरी जितनी भी पोशाकें और ड्रेसेस होती हैं मैं उन सबको इसी तरीके से फोल्ड करके फोल्डर्स में रखती हूँ। और पेपर का ज़रूर ध्यान रखें, पेपर पॉलिथीन जो भी आप बीच में लगाना चाहें प्लीज़ ज़रूर लगाना, इससे इनकी जो तह होती है फोल्ड होती है प्रेस वो बिल्कुल सीधी रहती है और ड्रेस भी आपकी काली काम काला नहीं पड़ता और अच्छी रहती है, मतलब अच्छे तरीके। नेक्स्ट लास्ट इस फोल्डर की बारी आती है जिसमें लाइट वर्क ड्रेसेस हैं। वैसे ये वाली जो आप पोशाक देख रहे हो हैवी है, ये लाइट नहीं है क्योंकि वो बाकी फोल्डर्स फुल हो गए थे तो मैंने इसमें रख दिया। और इस ड्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था इंस्टाग्राम पे भी, इवन यूट्यूब पे भी, कहाँ से ली। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने कहीं से नहीं लिए, ये मेरी मदर इन लॉ की है, मेरी सासू माँ की है जो कि 30-35 साल पुरानी है, जो कि अब मुझे सही आती है तो मैं पहन लेती हूँ। तो इसमें है सारी लाइट ड्रेसेस आप देख सकते हो, और इसमें मैं इस तरीके से अपनी सारी लाइट ड्रेसेस को रखती हूँ। और इसमें जो लाइट ड्रेसेस हैं इनकी ओढ़नियों को मैं अंदर रखती हूँ, पहले लहंगे के अंदर ही मैं जोड़ को रखती हूँ इस तरीके से और उसके ऊपर ओढ़नी को रखती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसमें जितनी भी मेरी सारे ड्रेसेस हैं, सारी ड्रेसेस को मैंने इसी तरीके से अरेंज करके रखा हुआ, आप देख सकते हो ये रही। तो ये सारी वो ड्रेसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं, जिन्हें पहनने में बिल्कुल जोर नहीं आता, आप इजीली फटाफट पहन सकते हो किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में। तो दैट्स इट, ये था कि मैं किस तरीके से अपनी ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। मेरा सजेशन यही है कि आप, हम लोग क्या पहले के टाइम, जैसे मैं भी जब मेरे पास फोल्डर्स का मुझे आइडिया नहीं था तो मैं भी ऐसी नॉर्मल अपनी अलमीरा में रखती थी। इस तरीके से कि आपकी जो ड्रेसेस हैं वो वेल मेंटेन रहती हैं, प्रेस अच्छे से रहती है उनमें। इसमें क्या अरेंज ऐसे लाइन वाइज रहती हैं तो आप आसानी से पोशाकें निकाल सकते हो, लाइट वेट हैवी को अलग अलग करके अरेंज कर सकते हो। तो मेरा यही सजेशन है कि आपने अगर अभी तक फोल्डर्स में अपनी पोशाकों को रखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप रख सकते हो। बात आती है, आप लोग पूछोगे कि आप ये फोल्डर्स कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, तो किसी भी लोकल स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने ये कहाँ से लिए थे मैं आपको बता देती हूँ, बी जेन्युइन आप लोगों के साथ, मैंने नेशनल हैंडलूम से लिए थे, या फिर आप किसी भी
मॉल से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से। मैंने ये नेशनल हैंडलूम मार्केट से लिए थे और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको वहाँ मिल जाते हैं, और अलग अलग डिज़ाइन में और साइज़ के हिसाब से भी आपको ये मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। आज दो फारी लाग रही है आप खुद की ड्रेस आने बहुत सतुना सेट कर पाएगा मायने, और मतलब वो सैल्यूट है मतलब आपका मायने मतलब आने। और इनको भी थैंक यू सो मच, इतनी देर से शूट कर रहे हैं, दिखने में लगता है कि वीडियो 15 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की है, पर इनका बहुत बड़ा हाथ है, वो कट पिट के आपको मिलती है 10-15 मिनट की, बट मैं तो यहाँ बम 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 कर रहे हो। ये तब से कह रहे कब तेरा खत्म होगा, कब तेरा, मैंने कहा नहीं मुझे लोगों के लिए बनाना है, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी तो इसलिए इन्होंने शूट किया, तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को क्रेडिट इनको जाता है। वेलकम, आपको मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अब हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, मैं भी बहुत ज्यादा लिटरली थक चुकी हूँ, क्योंकि पहले शूट किया और ये भी आज ऑफिस के काम से पूरे टाइम बाहर थे, पहले से थके हुए थे लाइक, कुछ मैंने और थका दिया। अब हम लोग खाएंगे खाना क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, अभी रात के 9 बज रहे, रात के 9 बज गए, खाना खा के फिर आप लोगों से हम लोग मिलते हैं। तो मैंने कर लिया चेंज और हमने लोगों ने डिनर भी कर लिया, डिनर करके बड़ा सुकून मिला, अब मैं खा रही हूँ चॉकलेट, अगली खा लिया मन देव भी होनी है। अब ठीक है, अब प्यार बरोबर है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणेशा।